अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। फूड इज रेडी में आज एक बहुत ही मजेदार नई रेसिपी रसमलाई के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं, जिसे मैंने ड्राई मिल्क के साथ तैयार किया है। ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही लजीज रसमलाई है। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं रसमलाई के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। रसमलाई बनाने के लिए यहां हमारे पास खुश्क दूध है। ये मैंने नीडो मिल्क लिया है, जो कि एक कप ये भर के मैंने जो है वो खुश्क दूध लिया है। इसके अलावा इसमें हमारे पास यहाँ जो एक लीटर दूध है, जो कि फुल क्रीम मिल्क है, और चीनी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे दूध में, जितना मीठा आप चाहें। मैंने इसमें आधी प्याली जो है वो चीनी ली है। इसके अलावा इसमें एक टेबल स्पून भर के ऑयल इस्तेमाल करेंगे। एक अंडा लेंगे इसमें, और तकरीबन 3/4 टीस्पून जो है वो इसके अंदर बेकिंग पाउडर लेंगे। 2 अदद इसमें हमारे पास इलायची है और कुछ 7 से 8 बादाम है, जिनको आप इस तरह से लंबाई में छिलके के साथ ही काट लेंगे, जो हम सबसे आखिर में ऊपर रसमलाई के ऊपर डालेंगे। अब सबसे पहले यहां इस दूध के अंदर बेकिंग पाउडर जो है वो मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। इसको बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको 10 मिनट के लिए तकरीबन रेस्ट इसको देंगे। यहां डेक्ची के अंदर हम ये 1 लीटर दूध जो हमारे पास है ये सारे इसके अंदर डाल देंगे। दूध के अंदर जो हमारे पास इलायची है ये मैंने खोल ली है, इसको मैं इलायची डाल देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर 1/2 कप चीनी भी डाल देंगे। जब तक दूध का जो टाइम है, खुश्क दूध जिसमें बेकिंग पाउडर डाला है, जब तक उसका टाइम जो है वो 10 मिनट पूरे होते हैं, उस वक्त हम इस दूध को हल्की आंच पर गर्म करने के लिए रख देते हैं। दूध के अंदर बेकिंग पाउडर मिक्स किए हुए एग्जैक्ट 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम जो यहां अंडा रखा हुआ है ये अंडा इसके अंदर डाल देंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल भी डाल देंगे। और इसे बहुत अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे। दूध के अंदर अंडा और ऑयल बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाता है। अब इसकी जो है, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। अब इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाएंगे और इसका ऐसा करेंगे कि आप हाथ के ऊपर थोड़ा सा हथेली के ऊपर आप दूध लगा लें और फिर दूध की मदद से आप इसकी गोली बना लें, तो ये बहुत आराम से और आसानी के साथ इसकी आप शेप जो है वो बना सकते हैं। अब ये आपके ऊपर मर्जी है आपकी कि आप इसको लंबाई के शेप में बनाना चाहें तो लंबाई की शेप में बना सकते हैं, और अगर गोल बनाना चाहें तो गोल बना सकते हैं। इसकी इस तरह से हम हाथ के ऊपर दूध लगा के हल्का हल्का और बनाते जाएंगे एक जैसे साइज में। इसी तरह से मैं बाकी भी इसकी बॉल्स जो है वो तैयार कर लेती हूँ। तमाम रसमलाई तैयार कर ली है। अब जो हमने दूध गर्म करने के लिए रखा है उसमें हम इसको डालते चले जाते हैं साथ साथ। यहाँ दूध काफी देर से पक रहा है, तकरीबन पकते पकते ये थोड़ा सा इसमें से 1/2 कप जितना जो है वो कम हो चुका है, बहुत गाढ़ा हो गया है। ये अब इसके अंदर जो हमने रसमलाई डाली है ये आहिस्ता आहिस्ता डालते चले जाएंगे इसके अंदर। इसको मैं कवर कर दूंगी और इसे 2-3 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे तेज आंच पे। रसमलाई को पकते हुए तकरीबन 2-3 मिनट हो चुके हैं।
इसको मैं कवर कर दूंगी और थोड़ी देर और पकाएंगे इसे। रसमलाई बिल्कुल तैयार है, मैंने इनको तकरीबन 5 से 7 मिनट और पकाया है। ये अपने साइज से तकरीबन 4 गुना ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। रसमलाई बिल्कुल तैयार है, मैंने रसमलाई को काफी देर तक इनको बहुत अच्छी तरह से पहले बहुत ठंडा कर लिया है। जितनी ज्यादा ये ठंडी होंगी उतनी ही खाने में ज्यादा मजेदार होंगी। इसका जायका भी बहुत ही मजेदार और बहुत ही डिफरेंट है, बहुत जूसी ये तैयार हुई है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।